मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बयान किया जाता है कि उन्हें जहन्नम की याद आई तो बेख्तियार रो पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस चीज की याद तुम्हें रुला रही है? बोली, मुझे जहन्नम की आग याद आई, बेख्तियार रोना आ गया। ये बताइए, क्या कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को याद रखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तीन मौके तो ऐसे नाजुक होंगे कि कोई किसी को याद ना रख सकेगा। एक वो जब इंसान के आमाल तोले जा रहे हैं, हर एक को फिक्र होगी कि इसकी नेकियों का पल्ला हल्का रहता है या भारी। दूसरा नाजुक मौका वो होगा जब नाम आमाल हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आओ पढ़ो अपनी किताबें जिंदगी। हर एक फिक्रमंद होगा कि इसका नाम आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में पीठ के पीछे से। और तीसरा नाजुक मौका जब पुल सिरात से गुजरना होगा और वो जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोधन में अदालत की नई इमारत का इफ्तिताह हाईकोर्ट जज के हाथों अमल में आया। उन्होंने कहा कि अदलिया मुकद्दस होते हैं, यहाँ इंसाफ यकीनी होता है। हैदराबाद में मुनक़िदा टीआरएस के जलसे में शिरकत के लिए जिला भर से अवाम की भारी तादाद रवाना। शुरका में देही अवाम बिलखसूस नौजवानों की तादाद ज्यादा। गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम मालापल्ली का आगाज आखिर कब होगा? बीएलएफ कायदीन का सवाल और कॉलेज की इमारत के रूबरू धरना। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि ये मसला कई साल से जेरे इल्तवा है। सोने की मूर्ति का मामला बात पहुंची झगड़े तक। झगड़े के दौरान आयनी राडों का इस्तेमाल, पुलिस ने बरवक्त इनको हिरासत में लिया मगर अभी तक इस मूर्ति का मामला हल ना हो सका। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर शमीम अख्तर के हाथों बोधन की अदालत की नई इमारत का इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब में जिला जज के अलावा विकला और मुखररीन की बड़ी तादाद शरीक। इंसाफ को तेज रफ्तार करने और मुस्तहिक को बरवक्त इंसाफ फराहम करने पर उन्होंने जोर दिया। बोधन में अम्बेडकर चौराहे पर वाक़ अदालत की पुरानी इमारत को, जो कि इंतहाई बोसीदा व शिकिस्ता हो चुकी थी, इसको मुनदिम करते हुए एक नई इमारत कायम की गई। आज उसका इफ्तिताह मौजूद जस्टिस डॉक्टर शमीम अख्तर हाईकोर्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के हाथों अमल में आया। इस प्रोग्राम की सदारत जिला प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीमती सुजना ने की, जबकि बार एसोसिएशन बोधन के सदर वेंकटेश्वर राव और दीगर जुम्मेदारान ने प्रोग्राम का अहतमाम किया और मेहमानों का इस्तकबाल किया। मौजूद जस्टिस शमीम अख्तर ने कहा कि अदलिया समाज की जरूरत है और अवाम को इंसाफ फराहम करने का अहम जरिया है। उन्होंने कहा कि अवाम को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मुकदमात की तेज रफ्तार यकसुई लाजमी है, मगर जल्दी का मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में इंसाफ को मुतासिर किया जाए। उन्होंने विकला को भी संजीदा खिदमात की तलखीन की और नई इमारत का जायजा लिया। टू कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग ने इनॉग्रेट चेयटम जरिगिंदी। ఇక్కడ ప్రస్తుతం నాలుగు కోర్టులు ఉన్నాయి, దాంట్లో ఒకటి జిల్లా కోర్టు, రెండోది సబార్డినేట్ సబ్ జడ్జ్ కోర్టు, ఒకటి ప్రిన్సిపాల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టు, ఇంకోటి అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ మున్సిఫ్ కోర్టు ఇక్కడ ఉంది. ప్రస్తుతానికైతే దీంట్లో ఉన్న అకామిడేషన్ని బట్టి అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు, సబ్ కోర్టు, ప్రిన్సిపాల్ జూనియర్ సివిల్ కోర్టు ఈ బిల్డింగ్లో అకామిడేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ బిల్డింగ్ 4 సంవత్సరాల కింద ఈ బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ కూడా నేనే యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జిగా వేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా జడ్జి గారితో, కలెక్టర్ గారితో, వెంకటేశ్వర్ దేశాయి గారి ప్రెసిడెంట్ బోధన్ అడ్వకేట్స్ బార్ అసోసియేషన్ గారితో కలిసి ఈ కోర్ట్ కాంప్లెక్స్ని ఇనాగ్రేటం చేయటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి, అడ్వకేట్స్ కానివ్వండి, స్టాఫ్ కానివ్వండి,
ఈ బిల్డింగ్ని మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఇక్కడ వచ్చే ప్రజలకు అందరికీ కూడా తమ వంతు సహకారం అందిస్తూ పోస్టల్ ఆఫీస్ నిజామాబాద్ మే జిల్లా కలెక్టర్ నే పోస్టల్ బ్యాంక్ కి బ్రాంచ్ కా ఇఫ్తితా అంజామ్ దియా ఉన్హోనే కహా కి మహకుమే పోస్టల్ గుజిష్తా కై దహో సే అవామ్ కో బాయ్తిమాద్ ఖిద్మాత్ ఫరాహమ్ కర్ రహా హై ఔర్ అవామ్ కో ముమ్కినా సహూలత్ ఫరాహమ్ కర్నే కి గర్ సే అబ్ పోస్టల్ బ్యాంక్ కి శురువాత్ కి గయి హై జిల్లా కలెక్టర్ నే అవామ్ కో భర్పూర్ ఇస్తిఫాదా కి తల్ఖీన్ కి పోస్ట్ ఆఫీస్ నిజామాబాద్ మే జిల్లా కలెక్టర్ రామ్ మోహన్ రావు నే పోస్టల్ బ్యాంక్ కా ఇఫ్తితా అంజామ్ దియా ఉన్హోనే అప్నే ఖితాబ్ మే కహా కి ఇస్ పోస్టల్ బ్యాంక్ పే మినట్ సే హర్ ఘర్ కో సహూలత్ హాసిల్ హోగి ఉన్హోనే బతాయా کہ اس بینک میں زیرو اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ کی مکمل سہولت فراہم کی جائے گی۔ دیگر بینکوں کے برعکس ضرورت پر عوام کو رقم گھر تک بھی فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس بینک کو عوام کی سہولت کی غرض سے ہی شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے بھرپور استفادہ کی خواہش کی۔ کمشنر آفس نظام آباد میں پولیس ملازمین کا تربیتی کیمپ، پی پیس نے اس کیمپ میں شرکت کی۔ پی پی ستیہ نارائنا نے کہا کہ پولیس تحقیقات کے بعد شواہد جمع کر کے مجرمین کو گرفتار کرتی ہے اور پی پیس ان شواہد کو سچ ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح پولیس اور پی پیس میں تال میل رہتا ہے۔ کمشنر پولیس آف نظام آباد میں پولیس ملازمین کے لیے تربیتی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس تربیتی اجلاس میں سوریا پیٹ عدالت کے پی پی ستیہ نارائنا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایڈوکیٹ جب پی پی کی حیثیت سے تقرر پاتا ہے تو اس پر انصاف کو یقینی بنانے اور پولیس کی محنتوں کو بارآور کروانے کے لیے جدوجہد کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہیں جرم ہو جاتا ہے تو پولیس اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جرائم کے ثبوت اکٹھا کرتی ہے، لیکن ان شواہد کو سچ ثابت کرنے کے لیے پبلک پروسیکیوٹر کو شدید محنت کرنی پڑتی ہے اور پی پیز محنت کرتے ہیں تاکہ پولیس کی محنت ضائع نہ ہو اور حقیقی مجرمین قانون سے بچ نہ سکے۔ پی پی کی حیثیت سے ایڈوکیٹس اور پولیس میں کافی دوستانہ اور برادرانہ تعلقات پروان چڑھتے ہیں اور دونوں مل کر سماج سے جرائم کو مٹانے کی مساعی کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں نظام آباد کے پی پیز مدھو سدن راؤ، رتنا کر اشوک کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ 10 جونیئر کالج مالاپلی کا آغاز کیا جائے، اس کالج کو شروع نہ کرنے کی وجہ سے کئی لڑکیاں ترک تعلیم کر رہی ہیں۔ لڑکیوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے اس کالج کا آغاز لازمی ہے۔ رمیش بابو اور عبد الخادر ساجد کا بیان۔ بی ایل ایف قائدین نے اس کالج کی تباہ حال عمارت پر دھرنا دیا۔ گرلز جونیئر کالج مالاپلی کے آغاز کا مسئلہ ہنوز پیچیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے اور یہ کالج اب سیاسی تنازع کا شکار بنتا جا رہا ہے۔ اس کالج کو لے کر اب تک احتجاج ہو چکے ہیں، لیکن اس کالج کے آغاز کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ آج بی ایل ایف یعنی بہوجن لیفٹ فرنٹ کی قیادت میں احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا، جس میں سی پی ایم اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ایم بی ٹی کے قائدین نے بھی حصہ لیا۔ سی پی ایم کی جانب سے ضلع سیکرٹری رمیش بابو، سٹی سیکرٹری ملیالا گووردھن اور خاتون قائد نور جہاں نے حصہ لیا، جبکہ ایم بی ٹی کی جانب سے صدر ضلع ایم بی ٹی عبد الخادر ساجد کے علاوہ شاہ رخ رحمان نائب صدر، اسرار احمد سیکرٹری، نصیر احمد جوائنٹ سیکرٹری کے علاوہ خواجہ قریشی، اکبر علی اور دیگر نے حصہ لیا۔ اس موقع پر رمیش بابو اور عبد القادر ساجد نے کہا کہ شہر کے گنجان مسلم آبادی والے علاقے میں جونیئر کالج کی عمارت گزشتہ 7 سال سے خالی پڑی ہوئی ہے اور اس عمارت میں گرلز جونیئر کالج اردو میڈیم کے قیام کا مطالبہ کئی سالوں سے کیا جا رہا ہے۔ ایم پی کویتا نے اس علاقے میں منعقدہ اجلاس کے دوران اس عمارت میں جونیئر کالج کے قیام کا تیقن دیا تھا، لیکن اب تک کئی سال ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے وعدے کو فراموش کر دیا۔ عبد القادر ساجد نے بتایا کہ شہر میں بے پناہ وسعت ہو چکی ہے اور آبادی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ برسوں قبل ایک جونیئر کالج کوٹ گلی گڑی میں قائم کیا گیا تھا، لیکن اب آبادی میں اضافے کے بعد وہ ناکافی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ جونیئر کالج کثیر مسلم آبادی سے بہت دور ہے اور اس کثیر مسلم آبادی کی لڑکیاں اس دور دراز علاقے کے کالج میں جانے کے لیے خوف و خدشات کا شکار ہے، لہٰذا بہت سی لڑکیاں نے ایس ایس سی کے بعد تعلیم کو ترک کر دیا ہے۔ آبادی میں بے تحاشا اضافے کے بعد مالاپلی گرلز جونیئر کالج بھی ناکافی ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا اس جونیئر کالج کا آغاز کرنا لازمی ہے کیونکہ یہ مسلم لڑکیوں کے تعلیمی مستقبل کا سوال ہے۔ گرلز جونیئر کالج گڑی دور علاقے میں ہونے کی وجہ سے مسلم لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے جمہوری حق سے محروم ہو رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ٹی آر ایس حکومت اس کالج کا آغاز کرتے ہوئے اپنے مسلم اردو دوستی کا ٹھوس ثبوت دے۔ انہوں نے کہا کہ اس کالج کو لے کر آگے شدید احتجاج کیا جائے گا۔ عبد القادر ساجد نے بتایا کہ 7 سالوں سے بند کالج کی عمارت اب غیر سماجی عناصر کا محفوظ اڈہ بن چکی ہے۔
आज बीएलएफ की जानिब से, जिसमें मजलिस बचाओ तहरीक और सीपीएम पार्टी भी शामिल है, मालापल्ली गर्ल्स कॉलेज को खुलवाने के लिए हम एमपी साहिबा से मुतालबा करते हैं। पीछे जो आपको इमारत नज़र आ रही है, ये तकरीबन 7 साल से बंद पड़ी हुई है ये इमारत, और शाम के टाइम पे ये इमारत गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन जाती है। मैं एमपी साहिबा को उनका वादा याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से 4.5 साल पहले जब वो इस एरिया में आई थी, उन्होंने कहा था कि मालापल्ली गर्ल्स कॉलेज को चालू करवाऊंगी, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर की बेटी होने के बावजूद, निज़ामाबाद की एमपी होने के बावजूद, उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया। उसके बजाय मुसलमानों को इफ्तार पार्टी दी जा रही है, साड़ी और लुंगी बांटी जा रही है। मुसलमानों को साड़ी की ज़रूरत नहीं है, लुंगी की ज़रूरत नहीं है, इफ्तार पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों की बच्चियों के लिए तालीम की ज़रूरत है। मालापल्ली के इस एरिया में अतराफ हज़ारों मुस्लिम बच्चियाँ तालीम के इंतज़ार में, इस कॉलेज के खोलने के इंतज़ार में। गत 7 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించి ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మైనార్టీ ఆడపిల్లలకు, అట్లాగే చదువుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ చదువు వసతి కల్పిస్తామని హామీ ఇవ్వటం జరిగింది. అదేవిధంగా గత ఎన్నికల కన్నా ముందు మన ఎంపీ కవిత గారు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ఉర్దూ కాలేజీని వెంటనే మేము ప్రారంభిస్తాం, ఇక్కడనే పిల్లలకు చదువు అందుబాటులో ఉంచుతామని హామీ ఇచ్చి 7 సంవత్సరాలు అవుతూ ఉన్నది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి అధికారంలోకి వచ్చి 4.5 సంవత్సరాలు అవుతున్నది, కానీ ఈ ఉర్దూ కాలేజీని ఇంతవరకు ప్రారంభించకపోవడంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనార్టీ ఆడపిల్లలు ఈరోజు చదువుకు దూరం అయ్యేటువంటి పరిస్థితి, 2-3 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్నటువంటి ఈరోజు గోలాన్మాన్ దగ్గరికి ఈ ఆడపిల్లలు వెళ్ళాలంటే ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి, ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది పెరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ప్రభుత్వం నిర్మించి ఉన్నటువంటి కాలేజీని ఎందుకు ప్రారంభిస్తలేరు? ఎందుకు మైనార్టీల పట్ల ఈ ప్రభుత్వానికి వివక్షత ఉన్నది? ఎందుకు ఈరోజు పేదలు చదువుకోవటానికి ఈరోజు అవకాశం కల్పించట్లేదని మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. ఇఖ్తియారాత్ కా బేజా ఇస్తేమాల్ కర్నా ఔర్ తల్బా కి జిందగియోన్ సే ఖిల్వాడ్ కర్నా మునాసిబ్ నహీ హై. యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ మన్సుఖ్ శుదా కోర్సో కో బహాల్ కరే. ఎస్ఎఫ్ఐ సెక్రటరీ సూరీ కా ముతాలిబా. ఉన్హోనే ఎహతిజాజీ యూనివర్సిటీ కే తల్బా సే ఇజ్హారే యగానగత్ కీ. తెలంగాణ యూనివర్సిటీ جو ڈچپلی میں واقع ہے, یہاں کے طلبہ گزشتہ 13 دن سے وائس چانسلر پر اپنے اختیارات کا بے جا استعمال کرنے اور منمانیاں کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. وی سی پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر مجاز طور پر کئی کورسوں کی تعلیم یونیورسٹی میں منسوخ کر دی, جس سے طلبہ کا مستقبل تاریک ہوتا نظر آ رہا ہے. ان کورسوں کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے طلبہ گزشتہ 13 دن سے احتجاج کر رہے ہیں. طلبہ کے احتجاجی کیمپ پر پہنچ کر آج ایس ایف آئی کے ضلع سیکرٹری سوری نے احتجاجی طلبہ سے اظہار یگانگت کی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے من مانی فیصلے کرنا اور طلبہ کے ساتھ کھلواڑ کرنا انتہائی نامناسب بات ہے. انہوں نے فوری اپنے فیصلے کو واپس لینے اور کورسوں کو بحال کر دینے کا وائس چانسلر سے مطالبہ کیا. ఏదైతే గత 13 రోజులుగా యూనివర్సిటీలో విద్యార్థి సంఘాలు ఎస్ఎఫ్ఐగా జరుగుతున్నటువంటి లీడ్ తీసుకొని జరుగుతున్నటువంటి దీక్షలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దీక్షలని వెంటనే విరమించుకోవాలి, లేకపోతే మీకు హాస్టల్ సీటు రద్దు చేస్తాం, కాలేజ్ అడ్మిషన్ని యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్ని రద్దు చేస్తాం, వెంటనే మీరు క్లాస్ రూమ్కి వెళ్లాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తాం. జమతుల్ హుఫాజ్ నిజామాబాద్ కి జానిబ్ సే సదర్ జిల్లా మజ్లిస్ ఎం ఏ ఫహీమ్ ఔర్ సిటీ మజ్లిస్ సదర్ మొహమ్మద్ షకీల్ అహ్మద్ కి గుల్పోషి. సాలార్ మిల్లత్ హెల్ప్ లైన్ కా ఆగాజ్ ఔర్ స్కాలర్షిప్ కే ఆన్లైన్ కర్నే కా మన్సూబా ఖాబిల్ సతాయిష్. సదర్ జమతుల్ హుఫాజ్ నే జబర్దస్త్ సతాయిష్ కి ఔర్ ముమ్కినా తాఉన్ కా తయఖున్ దియా. జమతుల్ హుఫాజ్ జిల్లా నిజామాబాద్ కి జానిబ్ సే నౌ మున్తఖిబ్ సదర్ జిల్లా మజ్లిస్ ఎం ఏ ఫహీమ్ ఔర్ సిటీ సదర్ మొహమ్మద్ షకీల్ అహ్మద్ కి గుల్పోషి కర్తే హువే انہیں تہنیت پیش کی. جمعیت الحفاظ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر حافظ محمد قاسم علی, معتمد حافظ عبدالحلیم, نائب صدر حافظ اجمل خان کے علاوہ مولانا خلیل الرحمن, مولانا محمد عبدالرحیم, حافظ افضل و دیگر اس پروگرام میں موجود تھے. صدر جمعیت نے بتایا کہ مجلسی قائدین کو صدارت ملنے اور ان کی جانب سے سالار ملت ہیلپ لائن کا آغاز کرتے ہوئے اس کے ذریعے ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج کی مہم کا شروع کیا جانا ایک قابل تحسین اقدام ہے.
साथ ही इस हेल्पलाइन सेंटर पर स्कूली तलबा के स्कॉलरशिप्स के फॉर्म को ऑनलाइन करने का भी काबिल सताइश मंसूबा है। जिला मजलिस का ये एक मुस्तहसन इकदाम है। उन्होंने सदर जिला मजलिस और सदर सिटी मजलिस को इनकी फाल क्यादत पर मुबारकबाद पेश की और अपने मुमकिन ताउन का तय खुन दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर सैयद एजाज हुसैन के अलावा सिटी मजलिस जनरल सेक्रेटरी सैयद शहबाज अजीज राही शहजाद बेग और दीगर मौजूद थे। हजरात ने जो कमेटी की जानिब से अपनी जो वोटर लिस्ट के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि हर घर पर जाकर जो है वोटर लिस्ट की जो है तकमील की जाए और हम तमाम को यहाँ पर आने का जो मौका मिला और हम लोगों ने इनकी गुलपोशी की है, बड़ी मसरत हुई मुलाकात करके, इंशाल्लाह आइंदा भी जो ऐसे ही मुलाकात होते रही। धर्मपुरी हिल्स में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद, डॉक्टर्स ने मरीजों की तशखीस की और मुफ्त अद्वियात तकसीम की। डॉक्टर ने बताया कि मौसमी तगैयरात से बीमार होने वाले अफराद की ज्यादा तादाद रुजू हुई है। उन्होंने कहा कि गरीब इलाके में लोग इलाज से कतराते हैं, इसलिए यहाँ कैंप लगाया गया। धर्मपुरी हिल्स में वाक़ आयशा क्लिनिक पर मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप में डॉक्टर लुबना नौशीन और डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मरीजों की मुफ्त तशखीस की और मुफ्त अद्वियात तकसीम किए। डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बताया कि धर्मपुरी हिल्स एक सलम गरीब इलाका है जहाँ बेशुमार खानदान सतह गुरबत से भी नीचे जिंदगी गुजारते हैं और महज पैसे खर्च होने के खौफ से इलाज से कतराते हैं। उन्होंने कहा कि मौसमी तब्दीलियाँ असरअंदाज हो रही है और कई अफराद इन मौसमी तगैयरात से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेशुमार अफराद इस हेल्थ कैंप से रुजू होकर अपनी तशखीस करवा चुके हैं और कई लोग खतार में हैं। उन्होंने बताया कि अद्वियात मुफ्त तकसीम की गई है। आज धर्मपुरी ड्राइवर्स कॉलोनी में हयात हॉस्पिटल के जानिब से जो फ्री कैंप किया गया है, काफ़ी सारे असरा यहाँ पर आए और अपनी बीमारी को बताकर जो है इलाज की दवाएँ लेकर गए हैं। तकरीबन 180 लोग को जो है देख चुके हैं और काफ़ी सारे लोग लाइन पर है देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, काफ़ी सारे लोग जो है काफ़ी सीजनल बीमारियों से मुबतला है, यहाँ पर सर्दी खांसी वगैरह ऐसे चीज़ों को देखा जा रहा है। तीन अफराद एक होटल में मुकीम थे, 20 अफराद इनको ढूंढते हुए पहुंचे, फिर इनके दरमियान झगड़ा हुआ, पुलिस ने तमाम को हिरासत में ले लिया। झगड़े की वजह एक सोने की मूर्ति बताई गई। अब इस मूर्ति का मामला क्या है, इस पर इसरार के पर्दे पड़े हैं जो जल्द ही खुल जाएंगे। होटल इंदूरीन स्टेशन पर एक जबरदस्त झगड़ा हुआ। बताया गया कि बोधन के तीन अफराद ने एक होटल में रूम लिया और यही मुकीम थे। इनको ढूंढते हुए 20 अफराद वहां पहुंचे जो इन तीन अफराद की तलाश में थे और इनके दरमियान बहस और तकरार के बाद हाथापाई की नौबत आ गई और झगड़े के दौरान आयनी राडों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। इससे कबल के ये झगड़ा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता। पुलिस वहां पहुंची और झगड़े में मसरूफ अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि तीन अफराद जो इस होटल में कमरा लेकर मुकीम थे बोधन से आए हैं और आते वक्त वो एक सोने की मूर्ति लेकर आए थे। अब ये मूर्ति उन्होंने खरीदी थी या फिर चोरी करके लाई गई थी या फिर इस मूर्ति के जरिए लोगों को झांसा दिया गया था, इन तफसीलात का अभी इल्म ना हो सका। इस झगड़े के पीछे क्या राज है, जल्द ही मंजर-ए-आम पर आएगा। इम्कान है कि कोई सनसनीखेज कहानी मंजर-ए-आम पर आएगी, वरना झगड़ा तो बेसबब ना होगा। हैदराबाद में मुनक़िदा जलसे-ए-आम में शिरकत के लिए जिले से भारी तादाद में अवाम की रवानगी, हर सड़क पर गाड़ियों की कतारें। पुलिस ने कमिश्नर पुलिस की क़यादत में माकूल इंतजाम किए, ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट देखा गया, बगैर रुकावट के गाड़ियों को रवाना किया गया। कोनग्रा क्लाम में मुनक़िदा जलसे-ए-आम में शिरकत के लिए बोधन बांसवाड़ा निजामाबाद के अलावा जिले के दिगर असम्बली हल्के जज से आज अवाम की भारी तादाद रवाना हुई। देही इलाकों से बड़ी तादाद में रवानगी अमल में आई, अहम सड़कों और हाईवेज पर गाड़ियों की कतारें देखी गई, पुलिस की जानिब से माकूल बंदोबस्त किया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने रास निगरानी की और जलसे में शिरकत की गर्ज से जाने वाली गाड़ियों को बगैर रुकावट रवाना किया गया, ट्रैफिक पुलिस चाकू चौबंद नजर आई। कोनग्रा क्लाम में मुनक़िदा टीआरएस के अजीमुशान जलसे-ए-आम में रूरल हलके से 25,000 अफराद की रवानगी, एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ट्रैक्टर्स के काफिले के साथ रवाना हुए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का ये जलसा एक नई तारीख मुरतब करेगा।
हैदराबाद में मुनक़िदा TRS के अज़ीम शान जलसे आम में शिरकत के लिए निजामाबाद रूरल से MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ। ट्रैक्टरों के काफिले में खुद MLA ने शिरकत की और ट्रैक्टर चलाते हुए हैदराबाद की सिमत रवाना हुए। इनके साथ काफिले में हजारों की तादाद में कायदीन कारकुन और अवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। सुबह के वक्त मजीद बसेस कारें और दिगर गाड़ियों के जरिए भी बेशुमार अफराद हैदराबाद रवाना हुए। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि रूरल हल्के से 25,000 अफराद की शिरकत यकीनी है। KCR गारी उपन्यासानि मरि प्रसंगानि विनडानिकि कदुल्तुन्नारु मामूलु कादु निन्न ट्राक्टर्लु बयलुदेरिनायि मा दग्गर नुंचि तर्वात ई रोजु बस्सुल्लो कार्लो जनालु बयलुदेरिनारु ఖచ్చితంగా ప్రగతి నివేదన సభ అనేది గిన్నిస్ బుక్ లో ఎక్కే సభగా పేర్కొనడానికి ఖచ్చితంగా ఆస్కారంగా ఉంది. రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాదు దేశవ్యాప్తంగా కూడా KCR గారి ప్రాపకం క్రేసి KCR గారి బలం ఏంటో ఈ రోజు సభతోటి మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలము మా యొక్క ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఎంపీలు అందరూ కూడా వారి యొక్క బలాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఈ సభని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు మేమంతా కూడా ఒక నినాదంతో ముందుకెళ్తున్నాం. దేశకి నేత KCR అని చెప్పి ఖచ్చితంగా దేశకి నేత అవుతారు మా KCR ఇవాళతోటి. हैदराबाद में मुनक़िदा TRS का जलसेआम, जिले की अवाम में जबरदस्त जोशो खरोश, हल्के जात असम्बली बोधन और बांसवाड़ा से भारी तादाद में अवाम की रवानगी, हर मंडल से सैकड़ों गाड़ियां रवाना, शुरका में देही अवाम बिलखुसूस नौजवानों की तादाद ज्यादा बताई गई। हैदराबाद के कोनगरा क्लाब में मुनक़िदा TRS के अज़ीम-ए-शान जलसेआम को लेकर जोशो खरोश देखा गया। हल्के असम्बली बोधन से आज भारी तादाद में गाड़ियों में अवाम की रवानगी अमल में आई, जबकि यहां के रुकने असम्बली ने दावा किया था कि बोधन से करीब 30,000 अफराद के जलसे में शिरकत मुतवक्के है और आज कुछ ऐसा ही जोश अवाम में नजर आया। अवाम जोश दरजोश बसों, लारियों और कारों के जरिए हैदराबाद रवाना हुई। इसी तरह हल्के असम्बली बांसवाड़ा के मंडल जात बिरकुर कोटगीर रुद्रूर और वर्नी से भारी तादाद में अवाम की रवानगी अमल में आई। 200 बसेस, 120 ट्रैक्टर और 1200 से ज्यादा प्राइवेट कारों से अवाम हैदराबाद के लिए रवाना हुई। पोचाराम भास्कर रेड्डी ने बताया कि शुरका में नौजवानों की तादाद ज्यादा थी। लक्षल मंदी जना समीकरण चेयडम जरिगिंदि। देश चरित्र प्रपंचंलो कूडा ए पार्टी कूडा इंत पेद्द एत्तुन जना समीकरण चेयलेदु చేయబోదు కూడా. ఎందుకంటే ఇది కేవలము మా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంనే సాధ్యము. ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము మా KCR గారు మా ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే పనితీరు కానీ తాను సంక్షేమ పథకాలు రైతులకి అన్ని విధాలుగా రైతు బీమా కానీ రైతు బాంధు కానీ ఫ్రీ పవర్ కానీ ఎన్నో రుణమాఫీ కానీ ఎన్నో రకాలుగా ఈరోజు ఆదుకున్నాడు. కాబట్టి ఈరోజు जानवर जुबह करके उसका फुजला और दीगर अशिया सरे राह फेंकी गई। अंतड़े औजड़ी सड़गर का शदीद ताफुन का सबब बन चुकी है और राह चलना मुश्किल हो गया है। मुकामी अफराद इस तरह लापरवाही से फुजला फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एड़पली मंडल मुस्तकर की हदूद में जानवरों को जुबह करने के बाद उसके फुजले और दीगर अशिया को सड़क के किनारे फेंका गया है, जिसमे अंतड़े और औजड़ी भी शामिल है और ये सड़गल चुके हैं। इससे शदीद ताफुन फैल रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने सफाई के नज़्म पर सवाल खड़े किए और साथ ही इस तरह से सरेआम फुजला और दिगर अशिया को फेंकने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रोड वेंबड़ी मरियु एड़पेल्लिकि संबंधिंचिनटुवंटि चेरुवुल दग्गर उन्नटुवंटि प्रांतालो संदर्शिंचिनटुवंटि वातावरणमु चूडडं जरिगिंदि। విషయమేంటంటే ఈరోజు ఎడపల్లిలో ఏదైతే చికెన్ సెంటర్లు కానీ మండల కేంద్రం కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి చికెన్ సెంటర్లో ఏదైతే వాడకంలో వాళ్ళు వాడేసినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు అజాగ్రత్తగా రోడ్డు వెంబడి ఇప్పుడు ఎడపల్లి గ్రామ శివారు దగ్గర మూలమల్పు ఉన్నటువంటి రోడ్డు ప్రక్కన ఏదైతే దర్గాకు చెరువులో వెళ్లేటటువంటి మూల ప్రాంతాల్లో వ్యర్థ పదార్థాలు పడివేయడం జరిగింది విచ్చలవిడిగా. మరియు ఎడపల్లి పక్కన పులి చెరువులో కూడా తీసుకొచ్చి సంచులుగా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ చెరువులలో పడేయడము వీటి వల్ల बोधन में अदालत की नई इमारत का इफ्तिताह हाईकोर्ट जज के हाथों अमल में आया। उन्होंने कहा कि अदलिया मुकद्दस होते हैं, यहाँ इंसाफ यकीनी होता है। हैदराबाद में
منعقدہ TRS کے جلسے میں شرکت کے لیے ضلع بھر سے عوام کی بھاری تعداد روانہ. شرکا میں دیہی عوام بالخصوص نوجوانوں کی تعداد زیادہ. گرلز جونیئر کالج اردو میڈیم مالاپلی کا آغاز آخر کب ہوگا؟ BLF قائدین کا سوال اور کالج کی عمارت کے روبرو دھرنا. احتجاجی قائدین نے کہا کہ یہ مسئلہ کئی سال سے زیر التوا ہے. سونے کی مورتی کا معاملہ بات پہنچی جھگڑے تک. جھگڑے کے دوران آئینی راڑوں کا استعمال. پولیس نے بر وقت ان کو حراست میں لیا مگر ابھی تک اس مورتی کا معاملہ حل نہ ہو سکا. تو یہ تھی خبروں کی تفصیل. مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دے اجازت. اللہ حافظ.